ये कहानी है भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की, जिनका जन्म तब हुआ था जब मेवाड़ अफगान सेनापति शम्सखान के अधीन था। अफगान छावनी में प्रवेश करने और अपने पिता उदय सिंह की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कुंवर प्रताप को 2 दिन के कारावास का दंड मिलता है। देशभक्त कुंवर प्रताप इस बात को सह नहीं पाते कि राजपूत अफगानों की अधीनता के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे, लेकिन जब उनकी मासा जयवंता बाई प्रताप को राज्य की असली स्थितियों से अवगत कराती हैं, तब प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उदय सिंह के प्रमुख सेवक देवीदास के साथ अपने पिता से क्षमा मांगने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उदय सिंह एक गोपनीय बैठक में शम्स खान के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाते हैं। अब आगे, आज से 4 दिन बाद अगली एकादशी को होगा युद्ध, होगा युद्ध, होगा युद्ध। शम्स खान की सेना का मनोबल कमजोर हुआ है, उसकी सेना कई दिनों से अपने मुल्क से दूर इसलिए थक चुकी है। शम्स खान की सेना बड़ी जरूर है लेकिन कमजोर है और इसी समय का हमें सबसे इंतजार है। हमारी सेना छोटी लेकिन उत्साह से भरी हुई है। क्या आप सब लोग अपनी धरती, अपनी मातृभूमि शत्रुओं के हाथ से वापस लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। ध्यान रहे, ये योजना गोपनीय है, किसी को भी इसकी खबर ना होने पाए। अगर इस योजना की भनक भी बाहर पड़ गई तो हम सबका बलिदान व्यर्थ जा सकता है। फौजीराज, क्या हुआ दादा? फौजीराज, हमें यहाँ से चलना होगा। किंतु राजीराज तो अभी तक आए ही नहीं, हमें क्षमा मांगनी है ना उनसे। समझने की कोशिश करें फौजीराज, हमारी तबीयत अचानक से बिगड़ रही है। हालत और बिगड़ने से पहले मुझे आपको किले तक ले जाना होगा, नहीं तो मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। आइए चलिए फौजीराज। ठहरो आदिल खान, बोलो आदिल खान, बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। आपका अंदाजा सही निकला सरदार, हमें खबर मिली है उदय सिंह अपने सामंतों के साथ खुफिया बैठे कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि ये हमारे लाभ की साजिश रच रहे हैं। आदिल खान, हमारा एक बड़ा ही काबिल जासूस वहाँ है जो हमें तफसील से वहाँ की सारी खबरें बता देगा। दादा,
तबीयत ठीक नहीं है तो पहले राजवैद्य को दिखा ले। नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी। दादा ये आपका। आप चलिए, हम आते हैं। वो जो शम्स खान की छावनी में घुसने के लिए प्रवेश पत्र है, वे क्या हमारे लोगों को भी दिए गए हैं? नहीं बाबूजी राज, हम तो छावनी की धूल छूना भी अपमान समझते हैं, उसके प्रवेश पत्र क्यों लेंगे हम? फिर शम्स खान का प्रवेश पत्र दादा देवीदास के पास क्यों था? कहीं दाजीराज का सबसे विश्वास पात्र सेवक ही शम्स खान का जासूस? प्रताप, छोटी मासा, अपने मासा को कहीं देखा है? चीचा, पूछा मैं होंगी, क्या हुआ? छोटी मासा, हमने अभी अभी कुछ ऐसा देखा है जिससे हमें लगता है कि अनर्थ होने से पहले हमें उसे रोकना होगा। छोटी मासा, कुंवर जी पहले सांस तो लीजिए। क्या हुआ, क्या देख लिया आपने, क्या रोकना चाहते हैं, हमें बताइए। हम स्वयं जब तक पूरी तरह से निश्चित ना हो जाए हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे छोटी मासा, लेकिन हमें इस अनहोनी को होने से पहले रोकना होगा। छोटी मासा, देखिए कुंवर जी, कुछ भी हो आपको राणा जी के आने की प्रतीक्षा करनी हो, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। छोटी मासा, अच्छा ठीक है, जाइए, जो आपकी आत्मा को ठीक लगे कीजिए, हम आपकी राह में नहीं आएंगे। धन्यवाद छोटी मासा। नहीं बाबूजीराज, हथियार बंद रक्षक के बिना नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। हम आदेशों में बंधे हैं बाबूजीराज। ठीक है, बंधे रहो इन आदेशों से। हमें ही कुछ करना होगा। हमें क्षमा कर दीजिएगा दाजीराज, पर स्थितियां फिर एक बार हमें आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए विवश कर रही हैं। We'll be right back.
निरीक्षण। हमें अभी अभी ऐसा लगा जैसे मुगल प्रताप ने इस किले की दीवार फांदी। नहीं होगा, दरबार में जो कुछ हो चुका है उसके बाद बाऊजी राज ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। कुंवर प्रताप यही कहीं महल में ही खेल रहे होंगे। जी नहीं हुकुम, कुंवर सा महल के बाहर गए हैं। क्यों कुंवर प्रताप को नियंत्रण में रख पाना इतना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए? क्यों वो विद्रोही बनते जा रहे हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। ना अपने पिता की आज्ञा का मन में सम्मान है और ना ही अपने राजा की आज्ञा का मन में सम्मान है। अब आप खुद ही बताइए कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम शासन करें तो कैसे, जब हमारा खुद का परिवार हर दिन हमारे नियंत्रण को चुनौती दे रहा हो। हमारे कुंवर प्रताप अनुशासन में रहें, क्या इतना असंभव कार्य है ये? है कोई उत्तर इसका आपके पास महारानी जयंताबाई जी? जवाब दीजिए महारानी। क्षमा कीजिए हुकुम, गलती हमारी है। हमें कुंवर प्रताप को बाहर जाने से रोकना चाहिए। राणा जी, हमें कारण तो नहीं पता कि क्यों फिर इस बार प्रताप को किले के बाहर जाने का दुस्साहस करना पड़ा और क्यों एक बार फिर उन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन हमारा विश्वास कीजिए हुकुम, इस बार हम प्रताप को ऐसा दंड देंगे कि दोबारा वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। ये हमारा वचन है उनको। नहीं, इस बार केवल वो होंगे और हम होंगे। हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। आप महल के बाहर ना जाएं, बाहर बहुत खतरा है। है ना, हम ढूंढ कर लाएंगे बाऊजी राज को आपके पास। हट जाइए चुंडा सरदार, इस वक्त कुंवर प्रताप को इसके लिए मिलाना आवश्यक है। छोड़िए, क्षमा कीजिए हुकुम, तो इस वक्त नेवार की स्वतंत्रता के सपने को पूरा करना भी आपके लिए कम आवश्यक नहीं। मान जाइए हुकुम, अब है ना, हम लेकर आएंगे बाऊजी राज को आपके पास। हम आपको वचन देते हैं और आप जानते हैं हुकुम, हमने आज तक जब भी वचन दिया है
उसे पूरा भी किया। शमशान तुम्हारी खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देवीदास बताओ क्या नई खबर लेके आए हो? खबर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले अपना वादा निभाओ। अब बताओ खबर क्या है? महाराणा उदय सिंह ने शम्स खान के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। इसके लिए उन्होंने अपने सामंतों की एक विशेष बैठक भी बुलाई थी। मेवाड़ के राज पुरोहित ने आज से ठीक 4 दिन बाद युद्ध का शुभ मुहूर्त निकाला है। अभी मैं चलता हूं, मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा। छोड़ो, कोई जंगली जानवर होगा, अब तुम निकलो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर ये बात झूठी निकली तो शम्स खान तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देगा। पता है। हमें जल्द से जल्द ये सूचना दाजीराज को देनी चाहिए। हिम्मत तो देखो उदय सिंह की, हमारी छावनी में हमला करने की सोच रहा है। शायद उसे पता नहीं कि शम्स खान जल्द ही उसका सर काट के उसके कटे हुए सर के साथ खेलेगा। कौन है वहां? हिलना मत, हाथ ऊपर। पलट जा चुपचाप। ये तो उदय सिंह का बेटा है, वही जो छावनी में घुसाया था। हाँ, ठीक पहचाना आप लोगों ने। और अब दाजीराज के लिए अपशब्द बोलने के अपराध में आप दोनों को बहुत पछताना होगा। मूर्ख राजकुमार, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, बजाय डरने के तू हमें धमकी दे रहा है। अभी खुद अपनी आंखों से देख लेना। चलो
इसका सर काट के शमशान के पास ले चलते हैं। हाँ हाँ, शमशान को इसका सर तोहफे में देंगे। Thank you.